सचिन जी, आपका पहला ट्रेड? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी तो ऑलरेडी मोमेंटम में है, मेटल्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए, स्पेशली टाटा स्टील का जिस तरीके से स्ट्रक्चर रहा है पिछले 15 दिनों से, तो मुझे लग रहा है 100-105 के आसपास से अच्छा सपोर्ट है, वही से मुझे लग रहा है मोमेंटम वापस जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर टाटा स्टील में खरीदारी करने की सलाह होगी। इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 112 का, स्टॉप लॉस आपको ओपन लो पे ही लगाना है 107 के आसपास, एंड खरीदारी करनी है टाटा स्टील के फ्यूचर में, तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 5 रुपए की ऑलमोस्ट 5 रुपए का टारगेट यहाँ पर अवेलेबल है। लाइए भाई चार का चौका का स्टिंग स्क्रीन पर, दिखाइए सबसे पहले सचिन को। सचिन, कौन सा है भाई आज का सस्ता ऑप्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया है? आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जीएनएफसी का जो स्ट्रक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग है, पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, एंड इसने अपने 50 आरएसआई के आसपास इसने एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया, तो मुझे लग रहा है प्राइस एक्शन भी यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंगली। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन सुबह रिकमेंड किया है, लगभग अराउंड 760 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, जो लगभग 32 के आसपास फिलहाल ट्रेंड रहा है, 34 हो चुका है। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 26 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको बनानी है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 46 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं, एक फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है एंड एक ऑलरेडी मोमेंटम में आ चुका है काउंटर। फ्यूचर्स के लिहाज से मुझे लग रहा है 800 के आसपास के पोजिशनल टारगेट यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, तो जरूर खरीदारी करनी है जीएनएफसी में। जीएनएफसी रखिए रडार। सचिन कह रहे हैं एक और बढ़िया ट्रेड सेटअप ग्रिप में आ रहा है, कोई ट्रेड छोड़ने का नहीं। सचिन, क्या पकड़ में आया? आशीष जी, इनफैक्ट यहाँ पर दो स्टॉक्स थे जो मैं मॉनिटर कर रहा था, जो सेकंड स्टॉक था वो भी केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस से ही है, यूपीएल, एंड 750 कैसे डिफेंड हो रहा था, मुझे लग रहा है नो वो काफी क्रिटिकल था, एंड जिस तरीके से इसने एक रीबाउंड भी आया है, तो मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी लॉन्ग पोजिशन बनानी चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग 780 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में, स्टॉप लॉस यहाँ से आपको लगाना चाहिए अराउंड 752 पे, एंड खरीदारी करनी है यूपीएल के फ्यूचर्स में 775 के टारगेट के लिए।